हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि, उसका मतलब तुम्हें नीचा दिखाने को नहीं है, तुम्हारा मतलब मुझे परेशान करने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। तो चले देखते हैं। तो गाइड देखिए, डिडंट मीन टू ए पास्ट में है और डोंट मीन टू प्रेजेंट में है, यानी मतलब नहीं था मतलब नहीं है। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, यदि वाक पास्ट में होगा तो डिडंट लिखेंगे, प्रेजेंट में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार डोंट और डजंट लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुँचाने का नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुँचाने का नहीं है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है आई डोंट मीन टू हर्ट यू। अगला वाक्य देखिए, उसका मतलब तुम्हें नीचा दिखाने को नहीं है, उसका मतलब तुम्हें नीचा दिखाने को नहीं है। तो सी डजंट मीन टू पुट यू डाउन, सी डजंट मीन टू पुट यू डाउन, पुट यू डाउन मीन्स नीचा दिखाना। आगे देखते हैं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, तो आई डिडंट मीन टू से दैट, आई डिडंट मीन टू से दैट। अगला वाक्य देखिए, मेरे भाई का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है माई ब्रदर डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग। अगला वाक्य देखिए, मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, तो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अगला वाक्य देखिए, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा आई डिडंट मीन टू बोदर यू, बोदर मीन्स परेशान करना। गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।